हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं बता दूँ, ओप्पो का एक मॉडल है ओप्पो A31, जो किसी यूज़र ने और किसी टेक्नीशियन ने इसको ISP के टाइम पे डेड कर दिया है। पर ये फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, पोर्ट बना रहा है, तो सबसे पहले इस फ़ोन को यही होगा कि सबसे पहले हम इस फ़ोन को फ्लैश करें। तो ये फ़ोन है, जैसा कि मैं पावर की भी प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से डेड है। ये देखिए, मैं पावर की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये फ़ोन एक्चुअल में डेड है। और हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं। ये ओप्पो का A31 मॉडल है। किसी यूज़र ने बताया गया है कि ये ISP करने के टाइम पे या ISP जब उन्होंने किया है तो इसको डेड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसमें आपको दिखाएंगे करके सारी चीज़ें, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली सारे स्टेप देखिएगा कि कैसे क्या करना होता है, तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए वीडियो को हम फटाक से स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो हमारा ओप्पो का फ़ोन था, ओप्पो A31, तो इसको हम कम्प्लीटली फ्लैश करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक टूल चाहिए, MCT टूल चाहिए, जो हमारे पोर्ट को स्टेबल करेगा, ऑथ को बाईपास करेगा। फिर उसके बाद हमें SP फ्लैश टूल चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा SP फ्लैश टूल है। हम ये SP फ्लैश टूल आप ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमने वर्जन V5 का SP फ्लैश टूल, और हमें फ्लैश फाइल चाहिए। तो जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो आएगी आपकी OFP फाइल में आएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। तो ये आपकी जो फाइल आने वाली है फ्रेंड्स, वो आएगी आपकी OFP फाइल में आएगी। तो OFP फाइल को सबसे पहले स्टैक करना है। तो स्टैक करने के लिए मैंने UMD से स्टैक किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमारी स्टैक्ड वाली फाइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने स्टैक किया है, UMT से स्टैक किया हुआ है। इसमें आपको स्कैटर के रूप में बहुत ही इजीली तरीके से वर्केबल 100% हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी स्टैक हुई हुई फाइल है। तो हमने स्टैक कैसे किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे राइट साइड में, अभी आप देखेंगे ये लिखा स्टैक है। तो OFP फॉर्मवेयर को आप यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से UMT से स्टैक कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो हमारी फाइल जब स्टैक हो गई फ्रेंड्स, अब हमें टूल को ओपन करना है। टूल को ओपन करने के बाद सिंपल सा हमें उस फाइल को लोड कर देना है। वहाँ पे हमें ये देख सकते हैं, ये हमारी SP फ्लैश टूल को हमने रिस्टैक किया एक बार, तो ओपन नहीं हुआ, तो फिर से हम उसको ओपन करेंगे शायद ये। तो यहाँ पे हम ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये खुल गया, हमारा SP फ्लैश टूल खुल चुका है। अब इसमें हमें फाइल को देना है, स्कैटर फाइल को हमें देना है, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो ये फिर से क्लोज हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, वापस से हमें रिस्टैक कर लेना है। कभी भी अगर आपको ऐसा कभी दिक्कत हो तो आप उसे रिस्टैक कर लीजिए वापस से, और वापस से जब आप रिस्टैक कर लेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा और जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कर दिया, यहाँ पे टूल हमारा बाईपास हो गया। अब यहाँ पे हम बाईपास पे क्लिक कर देंगे और फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ ये ऑफलाइन मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि किसी ने डेड कर दिया था। अगर आपको लग रहा है जो टाइटल है डेड बूट रिपेयर, तो यहाँ पे डेड बूट रिपेयर तो नहीं, यहाँ पे जो डेड था तो इस डेड फ़ोन को हम फ्लैश कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि ये फ़ोन एक्चुअल में डेड नहीं था, तो आप उसे अदरवाइज फ्लैशिंग रूप समझ लीजिए कि आप ओप्पो को ऑफलाइन फ़ोन कैसे फ्लैश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओप्पो का A31 आपको YouTube में शायद ही वीडियो देखने को मिले, पर हमने यहाँ पे आपको लाइव में डाल रहा हूँ। तो हमारा टूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारी फाइल स्ट्रैक्ट हुई है वहाँ पे हम जाएंगे। ये तो हमारी OFP वाली फाइल है फ्रेंड, तो OFP फाइल तो हमारी लेगी नहीं, तो हमें यहाँ पे देना होगा स्कैटर फाइल। तो स्कैटर फाइल जो हमने यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये OFP फाइल है, ये नहीं लेगा। तो हमारी स्कैटर फाइल को देना है, जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो ये देखिए स्टैक करके है, तो हमें यहाँ पे स्कैटर फाइल को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओप्पो सर्वर को आपको कर देना है एंटिक। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि डेड हो सकता है तो प्रीलोडर को आप एंटिक कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी डेड है फोन, तो हमने एंटिक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ऑथ भी आपको फाइल के साथ ही मिल जाएगा। अब सिंपल आपको बाईपास पे क्लिक करना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो एक साथ ही आप डाउनलोड पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि कभी कभी होता है कि बाईपास हो जाता है फिर वो टूल कभी दिक्कत करता है। पर आप दोनों ही एक साथ बाईपास को और डाउनलोड को भी एक साथ क्लिक कर दें, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कनेक्टिविटी के समय। तो हम फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो फ़ोन हमारा जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद हम आपको सारा प्रोसेस करके यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो बस जस्ट सेकंड, हमारा ये फ़ोन अभी कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा हमारी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी ओप्पो का
और हमने अभी रियलमी 3 के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, उसको भी ऑफलाइन फ्लैशिंग किया था। कैसे किया था ये सारा वीडियो, आपको अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो हम फोन को कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, और फोन को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आपको सारा स्टेप बाय स्टेप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने देखिए एक बार कनेक्ट किया, एरर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका ये जो देखिए ब्राउन एरर आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल में ड्राइवर का एरर है, मतलब हमारा कनेक्ट अच्छे से नहीं हुआ है। फिर से हम ट्राई करते हैं, बाईपास पे हम ट्राई किया हमने, फ़ोन को दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। रिकनेक्ट करने के बाद आपको हमेशा ध्यान देना है कि बैटरी निकाल के वापस लगाएं, तो ये जो टाइम लग रहा है ये यही प्रोसेस है। तो अभी देखिए सक्सेसफुली हमारा हो चुका है कनेक्ट। अब हमें सिंपल और सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड, तो सिंपल और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है और हमारी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यो हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। ओप्पो मीडियाटेक से रिलेटेड हमारा ओप्पो का A31 मॉडल है, हम इसे कर रहे हैं लाइव फ्लैशिंग। और ये देखते हैं कि क्योंकि एक जो मेरे सामने ही था बंदा की वो कर रहा था, और ISP पिन आउट के दौरान इसको डेड कर दिया, गलत फाइल से छेड़छाड़ हुआ, वहाँ पे फॉर्मेटिंग मेथड यूज़ किया उन्होंने और वो फ़ोन को डेड कर दिए। तो कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे, हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको फ्लैश कर रहे हैं और ये फ्लैश हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और तो जैसे ही फ्लैश हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको प्रॉपर तरीके से करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा है फ्लैशिंग का। दोस्तों अगर ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको सही लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। मैं कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्लैशिंग चल रहा है और ये फ्लैशिंग 100% सक्सेस हो जाएगा। और जैसे सक्सेस हो जाएगा तो आपको हमारा फ़ोन फिर देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ISP पिन आउट करके फिर अच्छे से उसका बैकअप ले करके उसको हम रीप्रोग्रामिंग कर देंगे तो भी हमारा वो फ़ोन ऑन हो जाएगा। बट फ्रेंड्स ये आपका जो टूल है, जो आपका ये कैसे बाईपास को हमने ड्राइवर को स्टेबल किया है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं फुल वॉइस के साथ आपको हर एक गाइडलाइन के, और जो आपको फाइल डाउनलोड करना है फाइल डाउनलोड करने के लिए मैं बता देता हूँ, सीधा आप जाएंगे जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो भी इसमें लेटेस्ट वर्जन था मैं गया, क्योंकि जब आप डाउनग्रेड वर्जन को लेते हैं तो कभी कभी लेटेस्ट वर्जन की जो फाइल होती है वो स्टैक हमारी नहीं होती है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जब आपकी फाइल अगर स्टैक ना हो तो आपको करना क्या है कि सारी चीज़ें वहाँ पे, ये मैं Y12 का भी फ्लैशिंग आपके लिए बहुत जल्दी एक रिस्टार्ट सोल्यूशन में लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने Y12 का एक फ्लैशिंग मेथड का डाला हुआ है, Y12 भी आपको बहुत जल्द मैं यहाँ पे एक देने वाला हूँ कि कैसे आप Y12 को भी रिस्टार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। शायद इसके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाए, या इन फ्यूचर आगे चल के आपको इसका रिस्टार्टिंग, एक वीवो का फ़ोन है जो मेरा कंटेंट बना हुआ है, मैं आपको वीवो का Y12 रिस्टार्ट प्रॉब्लम आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये हमारी फ्लैशिंग चल रही है, इसलिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तब तक जो हमारी बैकग्राउंड में फ्लैशिंग चल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी Y12 की फ्लैशिंग फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही फ्लैश हमारा हो जाएगा कंप्लीट तरीके से, तो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 93-94% हमारा हो चुका है यहाँ पे। और जैसे ही 94 और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि हमारा जो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, पर वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें फ्रेंड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर में हमारा पोर्ट भी स्टेबल है। अब यहाँ पे जो फाइल राइट हो रही है वो यूज़र डाटा की फाइल राइट हो रही है, जिसमें हमारा अगर इसमें कोई पैटर्न या कोई इसमें होगा, अगर इसमें डाटा बचाना होता है इस डेट के कंडीशन में, तो हम आपको इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे कि इसका डाटा आप कैसे बचा सकते हैं। फ्लैशिंग के दौरान पे अगर ये फ़ोन डेड हुआ है तो जिस कंडीशन में था आप उसका डाटा बचा सकते हो फ्रेंड्स। मैं ये हमारे इंस्टीट्यूट में आपको इसे टेलीकॉम में सिखाया जाएगा कि आप कैसे एक फ़ोन को फ्लैश करते समय आप डाटा को बचा सकते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो, और आपको अपडेट होना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर सिखाया जाएगा। तो अब जैसे हो जाएगा तो मैं मोबाइल के द्वारा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पे कैसे फ्लैश करना है, कैसे हमारा ये फ्लैश हुआ। अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो, ये जो मैं आपको सोल्यूशन दिया हूँ, ये जो फ्लैशिंग आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये फ्लैशिंग में भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ज़रूर आप हमें बताइएगा। बाकी मैं कोई वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, जो भी है जेन्युइन वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने ही लेकर के कंटेंट में लेकर के आता हूँ फ्रेंड। तो ये प्रॉपरली हमारा ये कंप्लीट हो ही चुका है, बस 60% 40% और बचा हुआ है समथिंग। और ये जैसे ही हो जाएगा मैं आपको अपने लैपटॉप के अपने मोबाइल के स्क्रीन से आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड।
तो इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और उसके बाद आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइए, और दोस्तों के टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज पता चले कि हम इससे कैसे फ्लैश कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी ही डले हैं फ्लैशिंग के वीडियो, ये मेरा शायद हो सकता है सेकेंड, या मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप भी अपने ये देख करके वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। बाकी ये अगर आपको ये जो जानकारी है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने Realme 3 का भी ऐसे ही, उसमें सिस्टम फाइल करप्ट हो गई थी, हमने Realme 3 को भी ऐसे ही फ्लैश किया था, तो वो वीडियो भी आपको देखना है तो आप आई बटन में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्लैश कम्प्लीटली ओके हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में कि हमारा काम हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोन वही फ़ोन है जो कि हमने आपको दिखाया था, ये प्रॉपरली डेड था। तो इसको हम ISP के द्वारा किसी ने इसको डेड कर दिया था फ्रेंड। तो हमने जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डन हो चुका है, हमने सारा चीज़ आपको दिखाया इंटरफेस करके सारा चीज़। तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये हमारा ऑन हो चुका है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ट्रिक और ये जो हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, सारा चीज़ बताया कि आपको फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है, फ़ाइल कैसे आपको स्ट्रैक करना है, कैसे क्या चीज़ सारा चीज़ करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्नर पे उसकी फ़ाइल भी दिखाई दे रही है, सारा चीज़ हमने स्ट्रैक सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा फ्लैश होने के बाद हमारा देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैश हुआ फ्रेंड। और कम्प्लीटली फ़ोन फ्लैश होने के बाद कोई भी एरर नहीं आया, जो भी एरर आया जो भी था वो आपके सामने हमने यहाँ पे लाइव किया हुआ है। तो वीडियो अगर प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा है। ओप्पो का A31 ऑफलाइन फ्लैशिंग भी है जैसा कि आप देख सकते हो। अगर हम इसको फ्लैशिंग की बात करें तो फ्लैशिंग मेथड भी सेम प्रोसेस है, पर मुझे पता है कि किसी टेक्नीशियन ने डेड किया था, जो कि मेरे सामने ही ये ISP के द्वारा डेड हुआ था फ़ोन, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही कम्प्लीट हुआ वैसे ही मैंने फ़ोन यहाँ पे करके दिखाया, ये ओप्पो का। तो अगर अगर आप किसी भी यूज़र को ये लग रहा होगा कि ये फेक वीडियो है या हमने पावर की नहीं हटाई थी या फिर कुछ नहीं किया था, फ़ोन मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से सील्ड लॉक है, मतलब सील लगा हुआ है। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि ये फेक है तो आप उसको फ्लैशिंग मेथड ले लेना, पर कभी भी किसी की मेहनत को आप तो फालतू ना बोलें, हम तो यही बोलेंगे आपसे। अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारा सक्सेस नहीं हुआ है तो मैं तो ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप इसे फ्लैशिंग मेथड समझ लें कि इसे ऑफलाइन हम कैसे फ्लैश करते हैं, ओप्पो के फ़ोनों को हम ऑफलाइन कैसे फ्लैश करते हैं, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है। जब ये ऑन हो चुका है फ्रेंड तो हमें सिंपल और क्या करना है, *813# और यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। और ये हमारा चुटकी में आप देख सकते हैं रिपेयर हो चुका है। ये फ़ोन प्रॉपरली जो ऑफ था मतलब डेड हो गया था फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है कम्प्लीटली तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इस पर मैं एक पैटर्न की भी वीडियो बनाऊंगा काफ़ी कुछ देर के बाद, और इसमें आपको पैटर्न अनलॉक करके भी दिखाऊंगा सारी चीज़ यहाँ पे करके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आप देख सकते हैं ये वही फ़ोन था जो कि आपके सामने सारा प्रोसेस हमने किया हुआ है और ये इजीली तरीके से अनलॉक हो गया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।